बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको अफ्रीकन एग चटनी बनाना सिखा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, 3 अंडे हमने ले लिए हैं, 1 कप हमने टमाटर ले लिए हैं, हरा मसाला ले लिया है हमने 1/2 कप, और 2 अदद प्याज हमने ले लिए हैं, और मिर्ची, नमक, हल्दी डलेगा और सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डलेगा बस, और कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसके अंदर। पहले हमने प्याज फ्राई करनी है ऑयल को गर्म करके थोड़ा सा। इसमें हम फिर ये डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, प्याज का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो प्याज फ्राई करते रहेंगे थोड़ा सा, सही सी जैसे हो जाए, अच्छी सी शक्ल आ जाए इसकी, फिर हम आगे आपको बताते जाएंगे क्या क्या डलेगा। ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी रहती है ये रेसिपी, हम अक्सर बनाते रहते हैं बच्चों के लिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। भाप में हम गला लेंगे टमाटर, टमाटर और प्याज दोनों गल जाएं, इतना भूनना है इसको कि बिल्कुल यकजान हो जाएं। बहुत ही इजी और सिंपल है, जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये। हल्दी डाल दी मैंने, फिर भून रही हूँ। फिर बुनाई में ही इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे इतना कोई ख़ास काम तो इसमें है ही नहीं। देखें कितने अच्छे से मसाले का कलर आ गया है। इसमें हमने कोई देगी मिर्च और कोई चीज़ नहीं डाली है, इतनी ख़ास इसमें डलेंगी भी नहीं, और फिर भी देखें कितनी अच्छी सी इसकी हो रही है रेसिपी तैयार हो रही है, कितनी अच्छी सी। अब हमने अंडे डाल दिए हैं, इसको हम डाल के छोड़ देंगे। थोड़ा सा पक जाए ये, अब सिर्फ हमने बीच में से ही चलाते रहना है चम्मच को कि ये अंडे हर तरफ से पक जाएं, कच्चापन ना रह जाए। इस तरह से हम भूनते रहेंगे। हरी मिर्चें हमने बीच में डाल दी हैं। थोड़ा सा हम भूनेंगे कि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। ये देखिए कितनी मज़ेदार से रेडी हुई है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड